हाय, मेरे वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इनिशियल सीपी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं कि 100 रुपीज है। अगर उसे 9% का लॉस होता तो वो कितना में बेचता? 91% पे, यही पे बेचता 91%। और अगर ये बोलता कि कितना 6% का प्रॉफिट होता, तो इनिशियल सीपी के अकॉर्डिंग करूं तो इसे कितना हो जाता? 106। ठीक, यहाँ 9% का लॉस है तो नेगेटिव से प्लस 6% कर दे रहा हूँ, तब इसे 106 हो रहा है। अगर ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस है कितना है? 15%। 15% में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 15% में कितना का सेल हो रहा है? 750। ठीक है, इसलिए 1% में कितना हो जाएगा? 50। 1% में इतना, तो आप 100% यहां माने हो, इसलिए 100% में कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 into 100। यानी कि 5000, यही आपका आंसर। मैं आपको पीछे बताया वही यहां पर भी है, 7% के यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और शेयर कितना में कर रहा है? 4 to 4 8। एंड गेन कितना ये चाह रहा है? 13%। तो आप इनिशियल सीपी मान लीजिए 100, ये इनिशियल सीपी हो गया। 7% का अगर उसे क्या आता? प्रॉफिट 107 हो जाएगा। और अगर वो चाहता कितना है? ही वुड गेन 13%। 13% चाहता तो आई मीन 113 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6% और आपको कितना गिवेन है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है कितना क्या होगा? 4 to 4 8, 4 to 4 8 रुपीज का। तो 1% में कितना हो जाएगा? 6 7 जा इतना आ जाएगा। इसलिए 100 में कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 708। 1% में इतना, इसलिए 100% में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा रिजल्ट? 708 20। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक शॉपकीपर है जो 20% का प्रॉफिट पे बेचता है कोई भी आर्टिकल का, लेकिन वह हैड ही परचेस, लेकिन वह परचेस करता है कितना पे? काश वो परचेस कर लेता 10% के लेस पे। जब यदि वह 10% का लेस पे अगर वो परचेस करता है, तब सोल्ड फिर करता है 18 रुपये के लेस पे, तो उसे गेन होता है 30%। तो उसे 30% का गेन होता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल सीपी, तो इनिशियल सीपी फाइंड करना, तो इसे क्या करेंगे? सिमिलरली जो मैं पहले बताया था उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 100 है, 100 रुपीज या 100% में इनिशियल सीपी मान लेता हूँ, इनिशियल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस या फिर इनिशियल क्रय मूल्य 100 रुपीज है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट होगा, आई मीन 120 हो जाएगा 20% का प्रॉफिट पे। और उसका अगर 10% का लेस हो, 10%, तो इसमें कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 10% का लेस पे इतना हो जाएगा। और बोल क्या रहा है कि अभी उसे 18 रुपये का लेस पे बेचता है तो 30% का प्रॉफिट होता है। तो 30% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 90 पे हो रहा है, 90 पे उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? 90 into 30 by 100 equal to 101010, यानी 9 3 27। तो 27 इसमें ऐड कर दीजिए, जब इसमें प्लस 27 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इतना देखिए। अब बोल रहा है कि उसे इतना और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3% का। ठीक, 3% में कितना का हो रहा है उसे? 18 रुपीज का। तो 1% में कितना हो जाएगा? 6 रुपीज। इसलिए 100 में कितना हो जाएगा? 600 रुपीज। इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, एक मिल्कमैन है और वो अपने आप में कमिटमेंट करता है कि जो दूध को बेच रहा है वह कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। ठीक, और करता क्या है आगे? दूध में वह पानी को मिला देता है।
मिलाने के बाद जो उसे सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना होता है, 12:1/2% का। तो उसे बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या है, इसको फाइंड करके आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, अब यहाँ 12:1 यही आपको गिवन है। जब 12:1/2% है तो यहां से समझ सकते हैं कि 1/8 आ जाएगा। मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ, 12 2 24 + 1 25, 25/2 × % इक्वल टू कितना था, 1/100। 25 4 4 2 8 यानी 1/8 आ गया, 1/8। अब इसके मतलब क्या है कि अगर उसके पास 8 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या करता है, पानी मिलाता है, यानी ये क्या हो गया इसका, मिल्क, और ये क्या हो गया, वाटर। यहां से ये फाइंड हुआ, यानी 8 में 1 लीटर, 8 लीटर है तो 1 लीटर ये पानी मिला रहा है। और आपसे पूछ क्या, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का वाटर रेशियो मिल्क, वाटर कितना है, 1:8 आ गया। अगर आपको यही पूछे कि मिक्सचर एंड वाटर का, मिक्सचर रेशियो वाटर पूछे या फिर मिक्सचर वाटर मिक्सचर रेशियो मिल्क पूछ दे, तो क्या होगा, मिक्सचर मिक्सचर टोटल कितना हो गया, 8 लीटर तो दूध है, 1 लीटर पानी है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 हो गया। वाटर कितना है, 1 हो गया। मिक्सचर और मिल्क, मिक्सचर कितना है, अभी मैंने बताया 9 है, और मिल्क कितना, 8 है। इस अगर आपको वाटर मिल्क का पूछे तो ये हो जाएगा, मिक्सचर वाटर का पूछे ये हो जाएगा, मिक्सचर और मिल्क का पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे एक अपने आप में कमिटमेंट क्या कर रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रोमिस करता है कि अपने आर्टिकल को या अपने गुड्स को वो अपने कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, लेकिन यूज क्या कर रहा है, 30% लेस वेट, जो जितना भी कर रहा है उसका 30% का कम वेट का वह यूज कर रहा है। जब वेट का यूज करेगा तो आप समझ सकते हैं वेट किसमें, हम 1 kg लेट कर लेते हैं तो 1 kg को दो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का वह यूज कर रहा है। अब 1000 का यूज कर रहा है 30% लेस, तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा, 700 ग्राम, यानी कि वो सेल कर रहा है। ठीक है, 700 ग्राम का यूज कर रहा है, लेकिन वो अपने आप पे बोल क्या रहा है कि कोस्ट प्राइस पे, तो इसको मैं अगर सीपी मानता हूँ यानी कोस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो कोस्ट प्राइस कितना है, 1000 है, इसी पे वो क्या कर रहा है, इस पे वो सेल कर रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 300 है, 300 हो रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बोल क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 का, सीपी कितना है, ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी 700 × 100, 300/7, 42:6/7% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, डिस्ट ऑनेस्ट शॉपकीपर है जो बोल रहा है कि अपने आर्टिकल को बेच रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन यूज कितना कर रहा है, 960 ग्राम, यानी 960 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टीट ऑफ 1 kg, 1 kg के जगह पे इतना का यूज कर रहा है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यानी इसके अनुसार ये बोल कह रहा है कि वह प्रॉफिट कुछ भी नहीं कर रहा है, सीपी पे ही बेच रहा है, यानी कि वह 1000 ग्राम है, तो 1000 बोल क्या रहा है कि 960 ग्राम का वह यूज करता है, 960 ग्राम का यूज कर रहा है, और ये बेच कितना रहा है, बोल रहा है कि कितना में, मैं 100 ग्राम, 1000 ग्राम सेल कर रहा हूँ, लेकिन 1000 ग्राम ना सेल करके कितना का, इतना में ये बोल रहा है सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कितना में कर रहा है, इतना में। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 40/960 × 100, 4:1/6। हाँ, यहाँ पे आप ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने आपको प्रॉमिस कर रहा है कि जो अपने आर्टिकल है, अपने गुड्स को है, जो वो कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट पे बोल रहा है कि बेच रहा हूं, लेकिन यूज कितना कर रहा है, 20% लेस वेट, प्रॉफिट भी है 10% लेस वेट का भी यूज कर रहा है 20%,
तो बोल रहा कि इसका फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना है, वैसे तो 10% है, लेकिन जो ये फॉल्स वेट का यूज करें 20%, उसके कारण कितना इंक्रीज हो जाता है, वो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो शुरू में ये कितना बोल रहा है, 1000 ग्राम, मान लेता को 1000 ग्राम है, तो इसमें से ये कितना बोल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 1000 ग्राम क्यों ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं कि यह जो भी क्वेश्चन बेस हो किस पे, वेट पे है, देखिए जो मेंशन है वेट पे, इसलिए मैं वेट का यूज कर रहा हूं, ठीक। 1000 ग्राम, अगर उसे 10% का प्रॉफिट होता है तो 1000 का, 1000 का 10% इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, तो इसका 100 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम है फर्स्ट में, सेल कितना में कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये तो सीपी है, ये बोल रहा है इस पे ये सेल कर रहा है, लेकिन 20% लेस वेट, 20% ले, 1000 ग्राम के जहाँ पे 20%, 20% 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, तो 200 ग्राम इसका लेस कर दीजिए, यहाँ 10%, 10% बराबर यहाँ पे है कितना, 100 ग्राम, 2 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम पे वो कर रहा है, तो ये फाइनल इसका क्या हो जाएगा, फाइनल कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 300, 300, ठीक। और बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 300 अपॉन प्रॉफिट किस पे मेजरमेंट किया जा रहा है, 800 पे, इसलिए 800 बेस में इनटू 300 अपॉन 8, 37:1/2%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब बोल क्या, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को कितना में 40% लॉस पे बेच रहा है, बोल रहा है कि मैं अपने आर्टिकल को 44% का लॉस पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम या लास्ट वाले जो प्रॉब्लम मैंने बताया था उसमें आप क्या देखे थे कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट था और यहाँ पे कुछ अलग परसेंट था, तो इसको 40% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम में मान लेता हूँ फिर से, जब इसका 44% लॉस पे बेचता है, इसका 44%, तो 1000 का 44% कितना, 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल कर रहा है 30% लेस वेट, जब 30% लेस वेट का यूज कर रहा है, इसके मतलब कितना कर रहा है, 30% का लेस वेट मतलब कि 700 ग्राम का कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 140 का है, ये इसका सेलिंग ऊपर हो गया, ये इसका सीपी हो गया, तो इसका कितना हो गया, 140 का हो गया डिफरेंस। आप यहां देख सकते हैं कि 560 क्या है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस का है, तो ये आपका कम है और कॉस्ट प्राइस अधिक है, तो कॉस्ट प्राइस अधिक होता है क्या, लॉस होता है, लॉस कितना हो रहा है, 140, इसलिए लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 700 × 100, इसका लॉस हो रहा है, ठीक। हाँ, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बोल कर एक शॉपकीपर है जो प्रोमिस करता है कि अपने गुड्स को एक्स परसेंट का प्रॉफिट में, अब जितने भी पीछे मैंने बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो अपने यहाँ गिवेन था, वो गिव आने की कुछ फैक्ट्स दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि बट यूज 20% लेस वे, 20% लेस यूज कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन अब ये आपको फाइंड करने बोल रहा था, नेक्स्ट दो लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने बताया उसमें ये फाइंड करने बोल रहा था, लेकिन ये आपको गिवेन है और ये आपको अननोन है, तो आपको निकालना क्या, फर्स्ट में क्या करते थे, 1000 ग्राम लेट्स वेट का जब यूज करते थे 1000 ग्राम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो 1000 ग्राम है, अब उसे अगर 20% लेस वेट का यूज कर रहा है, मतलब कि 800 ग्राम का यूज कर रहा है, ठीक है, उसे एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो, जब एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो, इसके मतलब क्या है कि 1000 का एक्स परसेंट होगा, मतलब कि 1000 × x/100 इतना का प्रॉफिट होगा, 1010 यानी कि 10x, इसके मतलब जो इसको प्रॉफिट होगा यानी कि सेल कितना में करेगा, 1000 + 10x इतना में इसका सेल करना है, और ये इसका सीपी हो गया। अब यहाँ क्या करते थे, दोनों के बीच का क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 200 +
टेन एक्स आ गया, दोनों का बीच का डिफरेंस इसके और इसके बीच का निकाला था, प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे आप, प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट इतना दिया हुआ है 200 प्लस 10x इतना इसका प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका यही तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 200 प्लस 10x अपॉन कितना पे, 800 पे, 800 इनटू, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट आपको कहां पे, यहां पे गिवन है, तो आपको इसको कितना गिवन है, 75 अपॉन 2, ये यहां से वैल्यू आया है, ये वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दिया हूं, ठीक है, 75 अपॉन 2। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे देख लीजिए 101008 कितना आ गया। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 75 into 8 इक्वल टू इसे यहां कर दीजिए 400 प्लस 20x, ठीक है, इज x इक्वल टू, अब देख ये इधर आ जाएगा 75 into 8, 75 into 8 600, मैं माइनस इधर आके आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 400 इक्वल टू 20x इक्वल टू 20x, तो x का जब वैल्यू निकाला था ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 200 बाय 20 इक्वल टू 10% यहां है, इसके मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10%, ये हो गया। आपको मैं एक और मेथड बता रहा हूं, देख लीजिए कि 1000 ग्राम है और ये कितना में 800 ग्राम में सेल कर रहा है, आप पीछे भी देखे थे कि 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब कि 800 ग्राम, और ये आपको क्या है सेल कितना में कर रहा है ये नहीं पता है। जब सेल आपको नहीं पता है तो एक चीज आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37:1/2 हो रहा है, तो 37:1/2 इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, प्रॉफिट हो गया, और ये आपका कितना हो गया, कॉस्ट हो गया। मेरे अनुसार सीपी कितना, 8, प्रॉफिट इतना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे अनुसार 11 हो जाएगा, और आप यहाँ पे सीपी कितना है, ये सीपी कितना है 800, मेरे अनुसार कितना है 8 है, तो 8 इक्वल टू 800 कर देता हूँ, इसमें 1 मेरे अनुसार 1 होगा तो इसके अनुसार 100 हो जाएगा, ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 11 है, इसमें क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 11 प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा 100 आया, कितना पे 1000 पे, इसमें 100 पे कितना होगा 10। आप दोनों मेथड से किसी तरह से भी बना सकते हैं, ये देख लिए, बोल क्या रहे, द एमआरपी ऑफ द पियानो वाज 15,000 रुपीज, एक पियानो था जिसका रेट कितना था 15,000 रुपए, व्हाट इज एसपी ऑफ पियानो, यानी कि एसपी बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालने पियानो का, जब उसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि 3 लगातार उसे या क्रमागत छूट देने के बाद उसका एसपी क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, फर्स्ट में देता 20%, फिर 10%, फिर 10%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, और मैं आपको डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने बताया हूं कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, अलग अलग मैं 5 तरीका आपको बता रखा हूं कॉन्सेप्ट में। अगर आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे कॉन्सेप्ट जरूर एक बार देख लें, लेकिन फिर भी मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, मैं आपको अभी फिलहाल 2 मेथड से बता दे रहा हूं, ठीक है, जो सबसे ईजी है आपको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसका क्या है एमआरपी, एमआरपी मींस मैं आपको एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एमआरपी के मतलब होता है जब कोई चीज यहां पे, जैसे इस मार्कर के मैं बात करूं, इस मार्कर का अगर 100 रुपीज रेट है और लिखा हुआ एमआरपी यानी कि अंकित है इस पे लिखा हुआ है तो वह अंकित मूल्य हो गया, यानी कि एमआरपी हो गया, एमपी हो गया, जिसे मार्क प्राइस बोलते हो, ठीक, लेकिन एमपी ही इसे क्यों बोलेंगे, आप कोई चीज मांगते हो या इस मार्कर कुछ मांगने आते हो तो बोलते हो कि भैया ये 100 रुपए का मुझे प्लीज 90 में दे दो, डिस्काउंट दे दो 10 रुपए का, या तो आप परसेंटेज में बोलते हो मुझे 10% का डिस्काउंट दे दो तो डिस्काउंट देता है, लेकिन आप देखते हो कि कभी कभी आपको 3% डिस्काउंट यानी कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो यहां पे आपको 10% फिर 10% यानी कि इसका जो 15,000 का 20% छूट दिया फर्स्ट में,
फिर 15,000 का 10% ही, फिर 10%, इस तरह से तीन आपका लगातार आती है। तो आपका ये क्या है, एमआरपी कितना है 15,000 इंटू 20%। जब आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक, मान लीजिए 100% में आपका 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 80% ना, तो 80% 80/100 लिख देंगे। अब यहाँ 10% है, अब जब 10% है, मान लीजिए 100% में 10% का आपको डिस्काउंट है, तो आपको पे कितना करना पड़ा, 90%, तो इनटू 90/100। सिमिलरली इसका भी 90/100 कैंसिल करता हूं, एक दो तीन, एक दो फिर तीन है, एक दो तीन। अब यहां से 15 × 8 × 9 × 9, जब इसे आप करोगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा 9720, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट निकल गया क्या, सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है वो भी बता देता हूं, अगर ये आपको समझ आ गया। फर्स्ट में क्या है, 20% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो 20% इक्वल क्या लिख सकते हैं, 20 × 1/100, तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से इसका 1/10 आ जाएगा और इसका 1/10 आ जाएगा, ठीक। अब मैंने नीचे बताया था कि जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और आपको ये मार्क प्राइस पूछ, अगर ये एमपी है तो ये ऑब्वियसली डिस्काउंट होगा, ठीक है। नीचे मार्क प्राइस तो ऊपर डिस्काउंट होगा, जब डिस्काउंट है तो आप यहां समझ सकते हैं मार्क प्राइस और डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कभी भी कॉस्ट प्राइस नहीं होता मार्क प्राइस के टर्म में, क्यों, आप समझ सकते हैं कि जब मार्क प्राइस दिखा हो उसमें से आपको कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया तो आप उसे क्या करने, फिर वो सेल करेगा ना, तो सेलिंग प्राइस कितना में, 9 में, अगर वो 1% का दिए छूट। मार्क प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, मार्क प्राइस यहां आप देख सकते हैं 5 है, 10 है, फिर 10 है। जब 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, यहां पे 4 है, यहां पे 9 है और यहां पे 9 है। अब सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 10 × 100 × 5, 500, 9 × 81 × 4, 81 × 4, 4 × 1 = 4 और 8 × 4 = 32, इतना आ गया। आप यहां देख सकते हैं कि मेरे अनुसार मार्क प्राइस कितना है, टोटल मार्क प्राइस 500, और आपका यहां मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 15,000, जब मेरे अनुसार 500, तो इसके अनुसार कितना 15,000, सही है ना। जब मेरे अनुसार एक, नहीं वो 2 0 2 0 कैंसिल, तो 5 × 3 = 15, यानी कि मेरे अनुसार कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। एक जब मेरे अनुसार 500, इसके अनुसार 15,000, तो मेरे अनुसार एक, तब इसके अनुसार 30, यानी 1 = 30 आ रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो मेरे अनुसार सेलिंग प्राइस कितना है, 3 × 4 है, तो इसको क्या 1 में इतना, इसमें 3 × 4 में कितना हो जाएगा, आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 1 × 3 = 6 और 1 = 7 और 3 × 3 = 9 और ये 0 का 0, यानी कि 9720 आ गया, ठीक है। और बहुत सारे मेथड है, आप इक्विवेलेंट भी करके बना सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। हाँ, अगर आप फ्यूचर में कोई वीडियो मेरे बनाना चाहते हैं तो बेल बटन पर जरूर हिट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।